दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसे कि हमारी भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका दौरा बेहद ही खराब था, टीम इंडिया को पहले टेस्ट सीरीज में हार मिली। फिर इसके बाद सभी भारतीय फैंस को लगा कि हमारी टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में हार का बदला वनडे सीरीज में लेगी, लेकिन यहां पर भी हार का बदला क्या लेती, अपनी इज्जत बचाने के लाले पड़ गए। भारतीय टीम तीनों मैच हार कर पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गई। अब दोस्तों, अफ्रीका दौरे का शर्मनाक अंत के बाद भारतीय टीम खाली हाथ वापस भारत लौट आई है। अब दोस्तों, भारत अफ्रीका दौरे की कड़वी यादों को भूलकर अब वक्त है आगे बढ़ने का, अगली सीरीज पर नजरें टिकाने का, जो कि भारतीय टीम को वेस्टइंडीज से अपने घर में खेलनी है। भारत दौरे पर वेस्टइंडीज टीम को 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। ये दौरा 6 फरवरी से शुरू होगा, जिसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन को देखते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज की टीम में बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे बड़े चेंज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है, जो कि हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते साउथ अफ्रीका नहीं गए थे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा की भी टीम में वापसी हुई है। जडेजा को भी इंजरी थी और ये रोहित के साथ बेंगलुरु स्थित NCA में रिहैब कर रहे थे। इन दो खिलाड़ियों की वापसी के अलावा टीम के गेंदबाजी क्रम में बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, आपको बताएंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी किए गए भारत के पूरे 18 सदस्यीय खिलाड़ियों के नाम, जिनमें बेहद ही चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। लेकिन उससे पहले आप हमें कॉमेंट करके बताएं, क्या राहुल की जगह ऋषभ पंत को भारत का उपकप्तान बनाना चाहिए? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि भारत दौरे पर वेस्टइंडीज की टीम आएगी और 1 फरवरी को टीम अहमदाबाद पहुंचेगी। दौरे पर पहले वनडे सीरीज खेलनी है और सीरीज का पहला वनडे 6 फरवरी को खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे मैच 9 फरवरी को होगा और आखिरी वनडे मैच 11 फरवरी को खेला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये सभी मैच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं 5 दिन के ब्रेक के बाद T20 सीरीज का आगाज होगा, जिसमें पहला T20 मुकाबला 16 फरवरी को होगा, उसके बाद दूसरा मुकाबला 18 फरवरी को, जबकि तीसरा मैच 20 फरवरी को खेला जाएगा। दोस्तों, ये सभी T20 मुकाबले कोलकाता के इंडियन गार्डन पर होंगे। आपको बता दें, भारत दौरे पर वेस्टइंडीज को मुकाबले पहले 6 अलग अलग जगहों पर खेलने थे, लेकिन कोरोना के चलते BCCI ने मैचों को मल्टीपल वेन्यू पर रख कराने के बजाय अब सिर्फ 2 शहरों पर कराने का फैसला किया है। भारत वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं T20 मुकाबले कोलकाता के इंडियन गार्डन पर होंगे, जबकि भारत दौरे पर कैरेबियाई टीम 1 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचेगी। वही दोस्तों, बात करें वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम की, तो कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में शिखर धवन, केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन को बतौर बल्लेबाज चयन किया गया है। वही ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और वेंकटेश अय्यर का चयन किया गया है। दोस्तों, हार्दिक और जडेजा की सीरीज में वापसी हुई है। वही गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, प्रसिद्ध कृष्णा और स्पिन गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती का चयन किया गया है। साथ ही रविंद्र जडेजा भी स्पिन गेंदबाजी करेंगे। तो दोस्तों, इन खिलाड़ियों का चयन वेस्टइंडीज के खिलाफ किया गया है।